फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आपने मेरे चैनल प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियो देखे रहेंगे, एमसीक्यू पे है, सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू मैथमेटिक्स है ना, और अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू आपको मिले होंगे। सो आज मैं इस वीडियो में एक आईएमपी एंड बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ फोर टाइम्स द नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन थ्री टाइम्स आई मीन थ्री एट ए टाइम इज इक्वल टू फाइव टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन माइनस वन थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, राइट। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे लिखा है फोर टाइम्स, जब भी हम लोग टाइम्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, राइट ना। ऑफ की बात करते हैं तो भी मल्टीप्लाई करते हैं, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स। तो फोर टाइम्स किसका है, परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स, राइट। परम्यूटेशन मीन्स पी रहेगा यहाँ पे, है ना। टेकन थ्री एट ए टाइम, अभी इसमें एन में से थ्री ले रहा है तो एन पी थ्री मिला, राइट। इज इक्वल टू फाइव टाइम्स, फाइव मल्टीप्लाई आएगा, राइट। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन ये परम्यूटेशन रहेगा तो पी आएगा, एन माइनस वन पी, राइट। थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम, इसमें भी थ्री ले रहा है तो ये मिलेगा, राइट। सो हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम रीड करते हैं तो हम लोग को ऐसा मैनिपुलेट और ऐसा हम लोग को बनाना रहता है, तो ये हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को एन फाइंड आउट करना है, तो ये कंडीशन दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। फोर मल्टीप्लाई बाय एन पी थ्री कितना होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, राइट। इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, डिवाइड बाय एन माइनस वन माइनस थ्री, तो एन माइनस वन माइनस थ्री, राइट। इन दोनों को माइनस करते हैं ना तो एन माइनस थ्री मिला, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री आएगा यहाँ पे। नाउ फोर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा मेथड, बट आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, कट कुट करके बीच में से स्टेप नहीं लिख के, ओके। इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस वन माइनस थ्री कितना होता है, माइनस फोर, तो एन माइनस फोर मिला, राइट। अभी आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे डिटेल में लिख के दे रहा हूँ। ये जो जैसे आया मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको ना, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में करना मतलब इंटरचेंज करते ना, डिवाइड रहते तो मल्टीप्लाई होता, ये इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को। इन लोग को भी कर सकते हैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बट फिलहाल हम लोग इसका रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लोग इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, ओके। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते। तो फोर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये इधर आ जाएगा तो एन माइनस वन फैक्टोरियल मिलेगा, इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाके से फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो एन माइनस थ्री मिल गया फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये मिला। अभी क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, नीचे एन माइनस वन है, फैक्टोरियल है, राइट, इसलिए इधर ही इसको स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली फाइव मल्टीप्लाई बाय एन माइनस थ्री को फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो एन माइनस फोर फैक्टोरियल, हम नीचे भी वही है तो स्टॉप कर दिए। फैक्टोरियल आपको पता है कि कोई भी नंबर जैसे एन है तो एन फैक्टोरियल मीन्स क्या रहेगा, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मीन्स एक कम होता जाएगा, एक कम होता जाएगा, राइट। टू एन माइनस थ्री एंड ऐसे डॉट 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 वन तक रहेगा, एक कम होता जाएगा। तो यहाँ पे वन कम होगा, माइनस थ्री के बाद क्या आएगा, माइनस वन करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। सो अभी इसमें एन माइनस फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या मिला, फोर मल्टीप्लाई बाय एन, फोर एन मिल गया, राइट। एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय एन माइनस थ्री मिला, तो फाइव एन से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव एन मिलेगा, फाइव एन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो फिफ्टीन मिलेगा, राइट। अभी फिफ्टीन ये साइड शिफ्ट कर दो तो फिफ्टीन यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, एंड इसको वो साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया, राइट। तो फाइव माइनस से फोर गया, वन एन आई मीन वन बचा तो n इज इक्वल टू फिफ्टीन, तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया, फिफ्टीन मिल गया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए मुझे लगा कि बना दो इसके ऊपर वीडियो।
सो क्वेश्चन एक बार और रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो क्या लिखा है, हम लोग को n फाइंड आउट करना है, राइट हम लोग को n फाइंड आउट करना है। सो इफ क्या लिखा क्वेश्चन, इफ फोर टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, परम्यूटेशन किसका लिखना निकालना है, n थिंग्स का परम्यूटेशन ओके टेकन थ्री ले रहा है, मीन्स n थिंग्स है उसमें से परम्यूटेशन ले रहा है, उसमें कितना ले रहा है थ्री, n में से थ्री परम्यूटेशन मीन्स किसी चीज़ में से सिलेक्ट करना, तो n में से थ्री ले रहा है राइट ना। अभी यहाँ पे फोर टाइम्स बोला इसलिए यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई कर दिया था ओके। सेकेंड इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया साइन, फाइव टाइम्स बोला तो फाइव मल्टीप्लाई कर दिया। अभी नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n माइनस वन बोला है, परम्यूटेशन बोला है तो हम लोग पी लगाएंगे, अगर कॉम्बिनेशन बोला था तो सी लगाते हैं राइट। थिंग्स टेकन एट थ्री टाइम्स, तो यहाँ पे भी थ्री है तो इसलिए यहाँ पे थ्री आ गया, मीन्स n माइनस वन में से थ्री यहाँ पे ले रहा है ओके। सो ये क्वेश्चन था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। सो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, यहाँ पे एक दिल्ली वर्ड दिया है राइट ना, लिख देता हूँ बराबर, ये दिल्ली वर्ड दिया है राइट। सो हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं, हाँ सभी अल्फ़ाबेट वर्ड जो अल्फ़ाबेट दिया है ओके, तो कितने वर्ड हम लोग इंटरचेंज करके बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब डी को लास्ट में कर दिया, ई को पहले कर दिया ऐसा, मतलब देखो ई पहले लिख दिया ऐसा है ना, मतलब इंटरचेंज करके फाइव लेटर्स दिए तो फाइव को इंटरचेंज कर दो, फाइव अल्फ़ाबेट दिया तो फाइव को इंटरचेंज कर दो, तो ऐसे हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, ऐसा आता ही आता है एग्ज़ाम में, एमसीक्यू में पूछता ही पूछता है। सो कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 फाइव है ना, तो फाइव फैक्टोरियल, अब फाइव फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, फाइव को वन तक मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 120 आएगा, तो 120 इज़ द आंसर, मीन्स डेली जो वर्ड दिया है इससे हम लोग अगर अल्फ़ाबेट इंटरचेंज करते हैं आगे पीछे करते हैं तो हम लोग कितने वर्ड बना लेंगे, 120 वर्ड बना देंगे राइट। सो ये सब एग्ज़ाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं जो जिसका सॉल्यूशन मीन्स बहुत ही छोटा रहता है, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता कि भाई इतना हार्ड रहेगा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओ, भाई एक मार्क का रहता है, अगर वैसा 50 क्वेश्चन दे तो दो मार्क का रहता है ना, तो दो मार्क के लिए कोई इतना बड़ा नहीं पूछ लेगा कि आपको पूरा सॉल्यूशन ही देना है ओके। सो दिल्ली के जगह पे और भी कोई वर्ड आ सकता है, फेलर आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे मंडे जो भी वर्ड दिया रहेगा, मुंबई दिया दे दे ओके तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, जितने अल्फ़ाबेट रहेंगे उनका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लो, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।